श्री गणेश जय माता की। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। एक डेढ़ साल से हम वीडियो बना रहे हैं, 184 से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर ही नहीं हो रहे। जो भी भाई हमारी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। चलो 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 चलो। आज जा रहे हैं हम सीमेंट लाने जंजेली सीमेंट डंप पे। तो आज इलेक्शन भी था, मतदान किया और उसके बाद आए। अभी टाइम लगभग बज चुका है दिन के 3, तो जा रहे हैं। जाके हमने गाड़ी लोड करनी है और लोड करके आ जाएंगे वापस। शायद रात को ही आ जाएंगे, सुबह को पहुंच जाएंगे घर। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में हमारे साथ। जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा हमारा सफ़र, तो बने रहे हमारे ब्लॉग में। अभी हम लिचोड़ी कर चुके हैं पार। तो आज हैं बिट्टू भैया जी ही हमारे साथ। बिट्टू भैया जी, किया मतदान भाई साहब? तो बिट्टू भाई भी मतदान करके आए हैं। पीछे से आ रहा है सुनील, हाइबा भी आ रहा है आज साथ ही। वो जा रहा है इंटरलोड करने। तो मौसम भी आज कुछ ठंडा ठंडा सा है, उतनी गर्मी नहीं है। देख ही सकते हैं आप आसमान में बादल, तो कैसा रहता है हमारा आज का सफ़र। चलो दिखाते हैं आपको। तो ये है टर्न, काट ली टर्न, लगा जोर, लगा के जोर ऐसा। तो अब डंप पे जाके ये आगे वाली झालर हमने धोने के लिए निकाली थी, शायद पहले भी देखी होगी आपने। तो उसको लगाएंगे डंप पे जा कर के। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें लगा दी हमने अपने ट्राले में, झूमर लटकन जैसी। तो धीरे धीरे करते रहेंगे मॉडिफाई गाड़ी भी अपनी। तो ये सामने है लिचोड़ी मार्केट, ये है इंडियन ऑयल का पंप और सुनील वहाँ पे डलवा रहा है तेल गाड़ी में। ये है चोड़ा का डैम और ये सामने है राजनगर का एरिया, चक्लू चक्लू साइड, कांडी पुल। ये लोग यहाँ पे, ये देखिए काफी रश, और यहाँ पे काफी लोग सुसाइड भी कर चुके हैं यहाँ से छलांग लगा के नीचे। सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है। तो ये सामने छोटा छोटा सा नजर आ रहा है, ये है भलई माता का मंदिर। जो भी सच्चे मन से माता के दरबार में जाता है तो मन की मुरादें पूरी पाता है। तो चलो बने रहे हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। अभी हम पहुंच चुके हैं भलई माता मंदिर के पास। ये है भलई माता का पुल। जय माता भाई, सबकी मनोकामना पूरी करना। अब ये देखिए स्कूटी वाली मोहतरमा गलत जगह पे बैठी है। अब यहाँ पे लगी है कारें, तो लंबी है गाड़ी हमारी, तो इनको ये पीछे ही करनी पड़ेगी गाड़ियाँ। तो ये लोग थोड़ा बैक करने में अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, थोड़ा बोलते हैं इनको भाई साहब की भाई जी नीचे आने दो। चलो 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 आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो। देख लो अपनी साइड। अब निकाल ली कार। और ये है रेन बसेरा, ये है अपने भुट्टू भाई का ढाबा, ये है गुजरों की गाड़ी, भैंसे लेके आई है।
खाली करके जा रही है। वापिस कहाँ जा रही है भाई जी? पठानकोट। हाँ, ये सामने कांडी गांव, और ये हम इस वक्त हैं तीसा पठानकोट नेशनल हाईवे पे। तो ये बना है माता रानी के दरबार का गेट। तो जोर से बोलेंगे बोल भली माता की, जय जय माता की। तो ये यहाँ से जाते हैं ऊपर माता की मंदिर के लिए। आइए रास्ता। तो ये सामने है कांडी गांव, ये कुछ आग जैसी लगी हुई है आज, पता नहीं क्या, कोई नीचे जंगल में आग लगाई है किसी ने। तो ये गलत है, नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बहुत से पक्षी घोंसले बना के बैठे हुए होते हैं, तो उनके घोंसले घर उजड़ जाते हैं बेजुबानों के। तो ये भी एक तरह का प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। तो ये आ गया हाईवा, तो गाड़ी करनी पड़ेगी बैक। तो चलो कराते हैं गाड़ी बैक। ये भाई साहब कोई अच्छे ही लगे मेरे को, खुद ही गाड़ी बैक कर ली इन्होंने, नहीं तो बहुत ही कम लोग जो है लोड गाड़ी बैक करते हैं। तो ये कुछ सही घिसे पिटे हुए उस्ताद जी लग रहे हैं मेरे को, 7337 वाले। तो थैंक यू है भाई को। तो चलो फिर मिलते हैं चल के आगे। पानी ही पानी, पूरा डैम भरा हुआ है पानी से। तो ये पार नजर आ रहा है चकलू का एरिया। आज मौसम जो है बहुत ही सुहावना, तो गर्मी बहुत कम है आज, इसलिए हैप्पी हैप्पी फीलिंग, हैप्पी हैप्पी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बंगाल। तो गाइस दिखाते हैं आपको बंगाल की मार्केट, बहुत ही कंजेस्टेड मार्केट है। यहाँ पे भी गाड़ियों का रश रहता है, लेकिन अभी फिर भी उतना ज़्यादा नहीं है। ये आई सामने से कार, लेकिन कार वाले भैया जी हैं समझ का। ये है कमल कुमार विपिन राज का मॉल, ठेकेदार हैं काफ़ी बड़े, कॉन्ट्रैक्टर हैं ये एक ग्रेड के। तो ये देखिए भाई साहब कार वाले का तरीका गाड़ी लगाने का। तो जब माता के मंदिर तक रोड नहीं था, तो ये इस गेट से जाते थे पैदल ऊपर। ये सीधा रास्ता माता के मंदिर को पैदल चलने वाला रास्ता, अभी भी कई श्रद्धालु यहीं से जाते हैं पैदल। जैसे ये बंगाल बंगूल वाले जाते हैं तो यहीं से जाते हैं। तो ये है बंगाल की मार्केट। हाँ जी, शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी कोटी पुल पे, और उस शोले फिल्म में भी ये एरिया दिखाया गया है। अगर जिसने देखी है उनको तो शायद पता ही होगा। ये है गांव बंगाल का गांव, ये रोड साइड में थी मार्केट, और ये काफी अच्छे अच्छे मकान। यहाँ पे बहुत ही कम दुकानें वकानें हुआ करती थी, ये सब हमारे देखते देखते ही इतना बड़ा शहर बन गया बंगाल। तो चलो फिर मिलते हैं आपको चोड़ा डैम चल के। ये है चोड़ा डैम, चमेरा चरण एक, पहले भी काफ़ी ब्लॉगों में देखा होगा आपने। तो ये पहुंच चुके हैं हम चोड़ा डैम। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, क्रॉस करके दिखाते हैं आपको चोड़ा डैम। तो ये देखिए चोरी चुपके से बना देते हैं हम वीडियो डैम की। ये लकड़ी बह के आई है पानी में, तो ये इस मशीन से निकालते हैं, इसमें एक टोकरी सी लगा के फेंकते हैं नीचे। ये देखिए गाइस, ये कंट्रोल रूम बना है नया, और ये गेट उठाने वाली क्रेन्स फिक्स ही है।
ये देखिए सरदार जी पाजी आ गए हैं घूमने। सबसे खतरनाक काम होता है ये जो बच्चों को स्कूल स्टडी में लेके चलते हैं। तो ये है सम्मेलन कक्ष, अभी यहाँ पे थोड़ा छुपा के बनाते हैं वीडियो। तो चलो मिलते हैं आपको आगे, अगर देख लिया तो करेंगे ये हंगामा, किसी ने नहीं देखा बच गए है बिट्टू भैया जी, बच गए, नहीं तो जुर्माना करते हैं ये ना कितना नहीं मालूम रे भैया हमारा को। तो बने रहे हमारे साथ हमारे पठानकोट की जर्नी में। जिस भाई ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और कमेंट जरूर करें, कुछ ना कुछ अपनी राय जरूर दें। तो बने रहे हमारे साथ ब्लॉग में गाइस। चलो 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 जानो जानो जानो। तो पहुंच चुके हैं हम बोली नेशनल हाईवे पे, भरमौर पठानकोट रोड के साथ मिल चुके हैं हम। तो ये जो चंबा से रोड आता है और जो तीसरा सलूनी वाला रोड आता है वहाँ जो पहला स्टेशन आता है उसका नाम है गोली, ये तो आप सब जानते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं गोली। जैसे ही गोली पहुँचे तो बारिश ने किया हमारा स्वागत गोली पहुँचने का। ये चले हैं गुज्जर लोग, क्योंकि गर्मियाँ पड़ते ही ये लोग जो है पंजाब से पहाड़ों की ओर आना शुरू कर देते हैं। तो अब ये दो चार महीने ऊपर ही रुकेंगे पहाड़ी एरिया में, उसके बाद फिर सर्दियों में नीचे चले जाते हैं पंजाब। तो ये है गोली, गोली खाने वाली गोली नहीं, इस स्टेशन का नाम है गोली। अब नाम गोली क्यों रखा है कोई पता नहीं, अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताएं कमेंट करके इस जगह का नाम गोली कैसे और क्यों पड़ा है। और मौसम देखिए गाइस, बारिश देखिए शीशे पे, काफी लंबे अरसे के बाद बारिश का आगमन धरती पे। ये आ रहे हम शिव मंदिर के पास, ये आ चुकी है देवी दर्शन बस सर्विस ऊना से चंबा। ये देखिए गाइस आई लव गोली, जय शनिदेव जय शनिदेव। चौड़ा से अभी हम पहुंच चुके हैं पांचपुला, तो यहाँ पे रुके हैं हम चाय पीने के लिए। तो पीते हैं चाय और फिर चलते हैं यहाँ से चाय पी करके। ये है अपने बिट्टू भैया जी। तो आज मौसम भी है जी बहुत सही है और यहाँ पे लगी है ठंडी ठंडी हवा। तो चाय पीते हैं तो फिर चलते हैं यहाँ से आगे। ये लगा दी हुई है हमने अपनी गाड़ी। तो ये है पंचपुला का टी पॉइंट, टी मीन्स चाय, पीने के लिए रुकते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरह की है यहाँ पे लोकेशन। तो हवा है यहाँ पे चली हुई मस्त मस्त, ये देखिए नेचुरल एसी मीन्स वृक्ष। तो ये है ढाबा चाय का, हिल व्यू ढाबा। तो यहाँ पे रुके हैं चाय पीने, चाय पी के चलेंगे सीधा पठानकोट की ओर। ये है अपना रथ लगाया हुआ यहाँ पे।
ये है अपना रथ और ये है रथ के सारथी। हैंडपंप और नेचुरल पानी भी है यहाँ पे, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो बने रहे हमारे साथ। मौसम देखिए गाइस, सुहावना मौसम है आज पंजाब में। तो पहुंच चुके हैं हम सीमेंट डंप पे जहाँ से हमने अपनी गाड़ी भरनी है। तो वो सामने देखिए गाइस, ट्रैक्टर हो रहा है लोड, यहाँ पे होगी हमारी गाड़ी लोड। तो टाइम बज चुके हैं 7, तो 7 बजे को हम पहुँच गए सीमेंट डंप पे। कितने बजे चले थे भाई हम घर से? 1 बजे। 1 बजे है ना, 1 बजे चले थे हम घर से। ये है यहाँ पे कोयले के स्टोर, गोडाउन। तो यहाँ से जाता है कोयला वगैरह श्रीनगर को। तो बीच में हम रुके थे, बड़ो रुके, फिर ग्रीस वगैरह करवाई गाड़ी को, फिर चाय पीने रुके नैनीखट। उसके बावजूद भी हम ठीक 7 बजे को पहुँच चुके हैं सीमेंट डंप पे। तो ये देखिए गाइस कोयला, ये कोयला आता है बनारस साइड से, झारखंड बिहार से। तो और यहाँ से जाता है ये कोयला श्रीनगर। गाड़ी लगाते हैं बैक, चलो चलो चलो। तो ये देखिए गाइस भर रही है गाड़ी। गाड़ी भर के मिलते हैं फिर आपसे। हो रही हैं गाड़ियां लोड, ट्रैक्टर आहू। तो ये है गोल्ड की गाड़ियां दोनों। तो हमारी गाड़ी भरेगी अंदर से, क्योंकि आज सुरक्षा का ट्राला कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो अंदर धूल ही धूल, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे। तो यहाँ से ले लेंगे सीन थोड़ा सा, ये भरेगी अंदर से गाड़ियाँ। अंदर से भरेगी या तो ये दरवाजे जैसे यहाँ पे भी लगाते हैं गाड़ी हम बैक करके, अभी पूछा नहीं हमने अंदर जाके। तो ये देखिए बिट्टू भाई देख रहे हैं घोड़ा चलाएंगे। भाई जी घोड़ा आप टायर बड़े ब्लास्ट होते हैं बोल रहे। तो ये है घोड़े में आया हुआ सीमेंट। तो पहुंच गए, करेंगे गाड़ी लोड और हो गई तो निकलेंगे घर अपने ठंडे ठंडे इलाके में। यहाँ पे तो गर्मी से बहुत बुरा हाल, लेकिन आज परमात्मा का ऐसा शुक्र है और हमारा लक भी सही है। लक सही इसलिए क्योंकि आज मौसम है ठंडा ठंडा कूल कूल। तो यही था हमारा यहाँ तक का ब्लॉग। अब रात को क्या ही शूट करेंगे और क्या ही बताएंगे, वो ही है अगर कहीं। देखते हैं अब नेक्स्ट प्लान हमारा बन रहा है 10 तारीख के बाद का, बेंगलोर साइड का। सावदा जाएंगे केला कूला भरने, या तो जाएंगे श्रीनगर, देखते हैं। जो भी जैसा भी रहेगा, कोई भी ट्रिप रहेगा तो ज़रूर दिखाएंगे आपको। तो ये था हमारा आज तक का ब्लॉग। इतना बढ़िया तो कुछ खास था नहीं, लेकिन चलो बना लिया तो अपना प्यार ज़रूर दिखाना। और जिस भाई ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लेना। और कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग? और यार भाई, हम रोज़ पूछते हैं, कोई बताता नहीं है, कमेंट कमेंट कोई करता नहीं है, फिर भी अगर कोई गलती हो अपनी, कोई सजेशन ज़रूर दें हमें कि हम सही बना रहे हैं या गलत। तो इतना नॉलेज तो है नहीं एडिट करने में भी, जो हमारा एक्चुअल होता है वही हम दिखाते हैं। ये गाने ट्यून ये वो कुछ नहीं, ना आता है ना हम बीच में डालते हैं। तो जो भी होता है वो एक्चुअल होता है। तो कैसा लगा हमारा ब्लॉग ज़रूर बताएं। तो दीजिए इजाज़त, अगले ब्लॉग तक नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता की।